जान तो इमली खाते हो। हाँ, जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने ये नदी का उन्होंने पार किया था, रोज महाप्रभु नदी पार करके आते थे, आते समय महाप्रभु इसी वृक्षों को नीचे महाप्रभु बैठे थे, और यहीं पर अभी जाएंगे मंदिर में, श्री गौरीदास मंदिर में जाएंगे, अभी अभी दर्शन करने के लिए जाएंगे। तो उन्होंने सर्वप्रथम उन्होंने गौरीदास पंडित को उन्होंने यहीं पर मिले थे, जो गौरीदास पंडित ये कृष्ण लीला में कौन है, सुबल सखा है, जानते हो सुबल सखा का नाम, कृष्ण का प्रिय नर्म सखा है, सुबल सखा कृष्ण और आधारणी और सुबल सखा का जो फेस है वो देखने में करके एक ही लगता था, इसलिए इसी कथा हम उस मंदिर में सुनेंगे। यहीं पर महाप्रभु उनसे मिले और मिल करके उनको मंदिर में ले गए थे, अभी वो मंदिर में जाएंगे, वहां पर एक विग्रह दर्शन करोगे, कैसे श्री चैतन्य महाप्रभु जब उनको घर में रहते थे वो किसी तरह से महाप्रभु को छोड़ना नहीं चाहते, और जब जब जाने के लिए तैयारी होते तो रोने लग जाते थे, प्रभु आज रुक जाओ कल जाना, महाप्रभु रुक जाते थे, लेकिन जब फिर जब कल होता था ना, बोले प्रभु आज रुक जाओ फिर आप कल चले जाना, इसलिए इसका नाम हो गया कालना। क्या नाम हो गया? कालना मतलब कल, कल मतलब कल, जब कल हो जाए ना बोले ना, मतलब नहीं और नहीं और एक दिन और रुक जाओ, इसलिए ये स्थान का नाम कालना नाम पड़ गया। फिर उन्होंने कैसे विग्रह कैसे बनाया, बोले हमारे लिए किस तरह के छोड़ेंगे नहीं, फिर उन्होंने इसी वृक्ष में हैं, उन्होंने बोले हमारा जैसे विग्रह बनाओ, फिर उन्होंने नित्यानंद और महाप्रभु ने दो विग्रह बनाए हैं, अब दोनों विग्रह बैठ करके विग्रह और महाप्रभु नित्यानंद प्रभु को खाना खिलाया, वो जो ठाकुर थे ना जो विग्रह वो स्वयं खाने लग गए, ठाकुर जी खाते थे हैं, वो विग्रह खाते थे, जब बोले अब बताओ हम किसको रखना चाहते हो, विग्रह को रखना चाहते हो ना हमारे दोनों भैया को, बोले क्यों, विग्रह से क्या मतलब, आप दोनों भाई रुको, फिर नित्यानंद और महाप्रभु रुक जाते, तो जो विग्रह था ना वो फिर चलना शुरू कर देते, वो चलना, और जो महाप्रभु नित्यानंद प्रभु वो ठाकुर बनकर खड़े हो जाते थे, बोले ये क्या हो गया, ये तो ठाकुर तो ये तो ये ठाकुर बन गए और तो दोनों जा रहे, फिर भागते थे, बोले कहाँ जा रहे हो, बोले हमें रख लिया ना, हम तो रख लिया ना हम जा रहे, बोले नहीं आप रुक जाओ, फिर उनको जो रुकने वो स्वयं ठाकुर बन गए, और जो ठाकुर हो गए थे ना फिर वो चलना शुरू करते, वो किसी को भी जाने नहीं देते, बोले देखो हमें तो जाना ही पड़ेगा, हमारा बहुत सारी काम है, फिर अभी जिस मंदिर में जाएंगे देखोगे उन्होंने विग्रह को रख लिया, हाँ उन्होंने ठाकुर जी को रख लिया, नित्यानंद और महाप्रभु दोनों को रख लिया, और जो जो ठाकुर थे ना विग्रह वो चलते 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 यहाँ से चले गए, इसलिए जब उसी मंदिर में दो देखोगे, हम लोग तो महाप्रभु नित्यानंद प्रभु को देखे ही नहीं, लेकिन अभी जिस मंदिर में जाकर ठाकुर जी को देखोगे उनको देखने पर साक्षात महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु का दर्शन साक्षात है, उनको दर्शन करने पर महाप्रभु नित्यानंद प्रभु का दर्शन अपने आप हो जाता है, क्यों, वो स्वयं ठाकुर जी वहां से चले गए और महाप्रभु नित्यानंद प्रभु वहीं रह गए, इसलिए अभी हम उसी मंदिर में जा रहे हैं जिनको दर्शन करने से साक्षात महाप्रभु नित्यानंद प्रभु का दर्शन हो जाता है, इसलिए अभी उसी मंदिर में जाएंगे, जल्दी जल्दी चलो नहीं तो मंदिर बंद हो जाएगा, जल्दी चलो।